हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह आप लोगों का वेलकम करती हूँ अपने चैनल सक्सेस मंच में। हम लोग कर रहे थे पर्यावरण और पारिस्थितिकी की टॉपिक, जो कि एमपीपीएससी मेंस जीएस 3 का टॉपिक है। यूनिट नंबर 9 है ये, तो हम लोग इसे हम करेंगे अपने पूरे टॉपिक को इसमें कवर करेंगे। आज हम लोग इसका पार्ट 3 करने वाले। पार्ट 1 और 2 मैं करवा चुकी हूँ, आप उसे मेरे प्लेलिस्ट में जाके नीचे देख सकते हैं। तो हमने क्या क्या कर लिया था वो देखते हैं, और 21-22 जो नया सिलेबस आया है एमपीपीएससी का मेंस का, उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग मेंस की आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, और मैं एक ऑडियो लेक्चर हिस्ट्री का करवा रही हूँ, जिसमें हम जो ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आ चुके हैं, क्योंकि 30 to 40% वेटेज जो होता है वो लास्ट ईयर क्वेश्चंस का ही होता है हर एक एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का लेसन ज़्यादा लंबा नहीं कराऊंगी, आज का ये पार्ट कंप्लीट करूंगी। जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी में टॉपिक पहला है वो हम आज कंप्लीट करेंगे। ये पूरा टॉपिक आज मैं कंप्लीट करवा दूंगी। पहले हमने काफ़ी इसमें देख लिए थे क्वेश्चन, जैसे कि हमने इसमें कर लिया था परिभाषा हमने कर ली थी, इसमें घटक कर लिए थे, क्षेत्र कर लिए थे, आयाम भी कर लिए थे। ये रह गया था हमारा भारतीय संदर्भ में पर्यावरण की अवधारणा और आधुनिक विश्व में पर्यावरण की अवधारणा और विचारकों के अनुसार मानवीय पर्यावरण उपागम, ये हमने कर लिया था। तो आज ये दो टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो चलिए देख लिए, ये सब हम कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो लास्ट लेक्चर जाके देख सकता है, तभी आपको आज के लेक्चर समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो भारतीय संदर्भ में पर्यावरण की अवधारणा के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं सीधे से पहले एक इंट्रो बता देती हूँ, फिर आप इसे पढ़ लीजिएगा, इसको आप समझ लेना कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले हम जाएंगे आर्यों में, आर्य के समाज में, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाजनपद काल में, जहाँ पे पर्यावरण को देवी मान के पूजा की जाती थी, प्रकृति की पूजा की जाती थी, तो उस समय बहुत अच्छी अवधारणा थी। लेकिन जैसे 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 चीज़ें आगे बढ़ती गई, आधुनिक भारत आया, उस समय हमारे देश में जैसे औद्योगिक क्रांति आई, उसके बाद से ही पर्यावरण क्षरण की अवधारणा देखने को मिलती है। तो पर्यावरण और प्रकृति को पूज्य माना गया भारतीय समाज में, प्रकृति और मानव के सहज संबंधों को अपनाया गया, जैव संरक्षण को महत्व दिया गया, गाय पीपल आदि को धार्मिक व सामाजिक मान्यता प्रदान की गई, अर्थवेद ऋग्वेद में वृक्षारोपण को धान्य विकास का और वृक्षारोपण और धान्य विकास का वर्णन किया गया, जैसे कि उसमें कहा गया है, ये लाइन आप कोट कर सकते हैं, जंगल वनस्पति पशु और पृथ्वी को शुद्ध करके उनका कल्याण करते हैं। अब महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी उपभोक्तावाद का विरोध करते हुए पर्यावरण संरक्षण की बात कही है। उन्होंने भी ये कहा है कि उपभोक्तावाद मतलब अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, घर बनाना, खनन का उपयोग करना, कृषि के लिए पेड़ों को काटना, इन सब का विरोध किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण सबको करना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने आगे देखा कि विश्नोई और चिपको आंदोलन भारत की समृद्धि और पर्यावरण दर्शन के उदाहरण है। विश्नोई आंदोलन चला था, चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चला था, ये सारे आंदोलन जो है वो पर्यावरण दर्शन के बारे में हमें भारतीय संदर्भ में बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने भारतीय संदर्भ में पर्यावरण की अवधारणा के अंतर्गत मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक विश्व में पर्यावरण की अवधारणा। तो पश्चिमी देशों में पर्यावरण के दृष्टिकोण को निम्नलिखित विशेषताएं देखी जा सकती है, पर्यावरण और इंसान को अलग अलग माना गया, पर्यावरण क्षरण को देर से समझा, मतलब कि जब औद्योगिक क्रांति आई उस समय तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई शुरू हो गई, औद्योगिक क्रांति, रेल की पटरियां बिछाने के लिए, क्योंकि उसके जो स्लीपर्स होते हैं वो पेड़ों की लकड़ियों से ही बनाए जाते थे, और औद्योगिक क्रांति के कारण ही नए नए उद्योग लगाए गए, उसके लिए ज़मीनों पे से पेड़ पौधे काटे गए, वनोन्मूलन किया गया, तो जिससे बहुत बड़ी मात्रा में पर्यावरण का क्षरण हुआ। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति अपनी चरम सीमा पे थी और थोड़ा सा 20s का दौर आया, उसके बाद लोगों ने अपने पर्यावरण क्षरण को समझने शुरू किया। उदाहरण के तौर पर 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में प्रथम प्रयास किया गया, पर्यावरण को स्वचालित और मानवीय हस्तक्षेप को स्वीकार किया गया इस समय,
औद्योगिक, क्योंकि औद्योगिक क्रांति में अत्यधिक प्रदूषण हो चुका था और उपभोक्तावादी संस्कृति को बहुत जोर, उपभोक्तावादी संस्कृति से मतलब कि हम लोग एक उपभोक्ता है, हमें हर चीज़ बनी बनाई चाहिए, अपने घर में चाहिए, अपने हाथ में चाहिए, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, टीवी हो, एसी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, तो ये उपभोक्तावादी संस्कृति होती है और इसको बनाने में पर्यावरण में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है। आगे हम बात करें तो वर्तमान में विश्व में पर्यावरण संरक्षण हेतु कई कदम उठाए जा रहे हैं, परंतु अभी विकसित देशों के पर्यावरण को लेकर विरोध अवश्य है, क्योंकि अभी भी विकासशील जो देश हैं और विकसित देश हैं उन दोनों में टकराव का स्थिति बनी हुई है, क्योंकि विकसित देश बोलते हैं कि हम लोग ही क्यों पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दें, विकासशील लोग भी ध्यान दें, और विकासशील देश जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि हमने तो अभी अपना पूरा विकास ही नहीं किया है, तो हम अगर पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देंगे तो हम जो विकास की गति में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा हमारे, हम पूरा विकास नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो इसलिए आधुनिक विश्व में पर्यावरण की अवधारणा के समक्ष ये पॉइंट्स, ये बिंदु आप लिख सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए, ये मैंने आपको समझा दिया था कि विचारकों के अनुसार मानव पर्यावरण उपागम तीन तरह के होते हैं, संभववादी, नीतिवादी और नवनीतिवादी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज ये पूरा टॉपिक हमारा कवर हो चुका है, हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यू टॉपिक लेकर आएंगे और जल्दी से जल्दी ये यूनिट कवर करके बाकी इस यूनिट के सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।